देखो बेटा, आज हम करेंगे थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मान लिया कि आपके पास कुछ AI हैं जो FX से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे I बिलोंग्स टू कैपिटल I और कैपिटल I इंडेक्स सेट है। इंडेक्स सेट हमें ये नहीं पता कि ये फाइनेट सेट लिए गए हैं या इनफाइनेट, आर्बिटेरी फैमिली है सेट्स की, वो ले ली। और वह कैसे हैं? फजी सेट्स हैं, F4 फजी। तो ये सारे के सारे फजी सेट्स हैं। ये कहता है कि कुछ फजी सेट्स ले लिए हमने, फिर ये कहता है कि उन सभी के हमने अल्फ़ा कट निकाल ले। मान लीजिए कि A1, A2, A3 कुछ आपके पास फजी सेट्स हैं, उन सभी के हमने अल्फ़ा कट्स निकाल ले, और उन अल्फ़ा कट्स निकालने के बाद ये आपके पास सेट्स आ जाएंगे और उनकी यूनियन कर दी। फिर ये कहता है कि पहले यूनियन करके अल्फ़ा कट निकाल लें, तो इसका मतलब कि ये जो वैल्यू आएगी, ये जो सेट बनेगा, ये सेट इसका क्या हो जाएगा? सब सेट हो जाएगा। यही सेम चीज़ फिर उसने इंटरसेक्शन में की, कहता कि इंटरसेक्शन में इक्वल आ गए। फिर यही सेम चीज़ उसने स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा कट में ली, स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा कट में यूनियन भी क्या आ गई? इक्वल आ गई। लेकिन स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा कट में इंटरसेक्शन आई, वो सब सेट आई। क्लियर हो गया? अल्फ़ा कट लेंगे तो यूनियन सबसेट बनेगी, स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा कट में इंटरसेक्शन सबसेट बनेगी, और अल्फ़ा कट में इंटरसेक्शन इक्वल आएगी और स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा कट में यूनियन इक्वल आएगी। ये थ्योरम है आपके पास। देखो कैसे, फर्स्ट के लिए लेट अस सपोज कर लिया एक्स बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ दिस। यूनियन का मतलब क्या है? यूनियन का मतलब होता है यदि एक्स हमने इसकी यूनियन में से लिया है तो कम से कम मुझे एक मेंबर ऐसा ज़रूर मिलेगा जिसके अंदर बिलोंग करेगा। तो आपके पास कम से कम एक AI नोट अल्फा ज़रूर मिलेगा जिसके अंदर एक्स बिलोंग करेगा, कम से कम। देयर एग्जिस्ट सम है, ये देयर एग्जिस्ट वाले ही सम लिख लेना यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ? यदि एक्स अल्फा AI 0 में बिलोंग करता है तो इसका मतलब कि AI 0 के अंडर मेंबरशिप वैल्यू एक्स की क्या रहेगी? ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा, क्योंकि ये अल्फा कट है। अब देखो ध्यान से, अब हमने जितना भी सेट लिए थे उन सभी की मेंबरशिप वैल्यू ली, और उन मेंबरशिप वैल्यू का सभी सेट के अंडर एक्स की मेंबरशिप वैल्यू ली, और सभी सेट के अंडर जो मेंबरशिप वैल्यू आ गई उन सभी का क्या ले लिया? सुप्रीमम। यानी ये तो है क्या? ये पूरे सेट की सुप्रीमम वैल्यू है, और ये एक पर्टिकुलर एलिमेंट है। तो आपको पता है जब हम पूरे सेट का सुप्रीमम लेते हैं, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ए पर्टिकुलर वैल्यू। ये एक पर्टिकुलर वैल्यू है उसी सेट में से, और ये पूरे सेट का सुप्रीमम है। ये पर्टिकुलर वैल्यू क्या है बेटा? ये पर्टिकुलर वैल्यू है अल्फ़ा से ग्रेटर देन इक्वल टू। तो देयर फोर यदि ये ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फ़ा है तो ये भी क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फ़ा, क्योंकि ये तो इससे भी बड़ी है। तो देयर फोर इसका सुप्रीमम का क्या मतलब होता है बताओगे? मेंबरशिप वैल्यूज़ का यदि हम सुप्रीमम ले तो यूनियन में कन्वर्ट हो जाती मैक्सिमम या सुप्रीमम। सुप्रीमम इसलिए लिया क्योंकि इनफाइनाइट आर्बिट्रेरी सेट है, तो देयर फोर वो यूनियन में कन्वर्ट। यदि यूनियन ऑफ AI की मेंबरशिप वैल्यू ऑफ एक्स में ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फ़ा आ गई, यानी इस एक्स की मेंबरशिप वैल्यू यूनियन में ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फ़ा आ गई, तो इसका मतलब कि एक्स उसके अल्फ़ा कट में बिलोंग करेगा। तो देखो ध्यान से, कहाँ से उठा था हमने एलिमेंट? इसमें से पहुँच गया कहाँ? इसमें। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी यूनियन किसके अंदर कंटेन होगी? इसके अंदर। अब सेकेंड में देखो, मान लिया कि एक्स बिलोंग कर लिया अल्फ़ा इंटरसेक्शन ऑफ आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई और AI। यदि अल्फ़ा कट से हमने एक्स को लिया है तो इसका मतलब कि इसके अंडर इसकी मेंबरशिप वैल्यू क्या होगी? अल्फ़ा से ग्रेटर देन इक्वल टू। और जो ये इंटरसेक्शन है उसको हम इन्फिम से खोलते हैं क्योंकि आर्बिट्रेरी सेट है। यदि फाइनेट सेट होता तो मिनिमम और यूनियन में मैक्सिमम, आर्बिट्रेरी है तो इंटरसेक्शन में इन्फिम और यूनियन में सुप्रीमम। इसका मतलब कि इसकी इन्फिम वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फ़ा। अब यहाँ से एक बात सोचो बेटा, कोई सेट है आपके पास, उस सेट का इन्फ्यूमम, इन्फ्यूम क्या होता है? सबसे छोटी वैल्यू। यानी उस सेट की, उसके इन्फ्यूम से सारी की सारी वैल्यू बड़ी रहती हैं। तो ये कहता है कि उस सेट की सबसे छोटी वैल्यू भी अल्फ़ा से अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो उस सेट के सारे मेंबर क्या हो जाएंगे? अल्फ़ा से ग्रेटर देन इक्वल टू फोर ऑल। सारे के सारे मेंबर क्या हो जाएंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फ़ा, क्योंकि सारे मेंबर उसके इन्फ्यूम से तो बड़े होंगे, और इन्फ्यूम किससे बड़ा है? अल्फ़ा से। तो देर फोर इसके सारे मेंबर अल्फ़ा से बड़े हैं, तो इसका मतलब कि एक्स किस में बिलोंग करेगा? उन सभी के अल्फ़ा कट में बिलोंग कर जाएगा, और उन सभी के अल्फ़ा कट में बिलोंग करेगा तो इसका मतलब कि इंटरसेक्शन में बिलोंग कर जाएगा। अब देखो यहाँ से, हमने एक्स कहाँ से लिया था?
एक्स लिया था अल्फा इंटरसेक्शन ऑफ एआई से और पहुंच चला गया कहाँ पे, इंटरसेक्शन ऑफ अल्फा एआई से। लेकिन ये प्रॉपर्टी कैसी है, ये रिवर्स में भी चल रही है, इधर से भी और इधर से भी, तो देयरफॉर यहाँ पे क्या आ जाएगी, इक्वलिटी होल्ड हो जाएगी। और सेम थ्योरम आपकी किस में है, ये स्ट्रोंग अल्फा कट में है, बिल्कुल सेम एज इट इज, वही सम आएगा, वही सुप्रीमम आएगा, वही ग्रेटर देन आएगा, सेम एज इट इज, बिल्कुल सेम एज इट इज है, ये देख लेना आप, यही यहाँ पे है। उसके बाद ये कहता है गिव एन एग्जाम्पल टू शो वाई द इनक्वलिटी होल्ड फर्स्ट एंड फोर्थ। अब ये फर्स्ट इसी थ्योरम के बारे में बात कर रहा है, ये कहता है कि ये बताओ कि यहाँ पे तो इक्वलिटी आ गई, लेकिन यहाँ पे इक्वलिटी क्यों नहीं आई, इसका मतलब कि ये इसका सबसेट है, इसका मतलब कि ये इसका सबसेट नहीं बनेगा, क्योंकि यदि ये भी इसका सबसेट हो गया और ये इसका सबसेट हमने प्रूव कर ही दिया तो इक्वलिटी आ जाएगी, इसका मतलब कि ये इधर से कंटेनमेंट नहीं होगी, इसका मतलब कि इसमें हमें कोई मेंबर मिलेगा जो इसमें तो बिलोंग करता होगा लेकिन इसमें बिलोंग नहीं करता होगा। तो इसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा, एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि इस सेट के लिए ये इधर का सबसेट इसमें नहीं जाएगा। तो देखो एग्जाम्पल से हमने क्या ले लिया, मान लिया कि ए आई बिलोंग्स टू एफ एक्स, मतलब कि फजी सेट ले लिए, और फजी सेट हमने कैसे डिफाइन कर लिए, वन माइनस का वन बाय ए आई, जहाँ पे i इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, यहाँ पे ये ग्रेटर देन इक्वल टू वन। अब यहाँ से देन फोर एनी x बिलोंग्स टू कैपिटल x, x हमने कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट उठाया और यूनियन ऑफ ए आई, आई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x, ये लिया। यूनियन को कैसे खोलते हैं, आपको पता है सुप्रीमम से, तो उन सभी की मेंबरशिप वैल्यू की सुप्रीमम ली, वो क्या हो जाएगा, यूनियन के अंडर उसकी मेंबरशिप वैल्यू आ जाएगी। सुप्रीमम यानी ए आई कैसे खुलता है, वन माइनस का वन बाय आई से, वन माइनस का वन बाय आई ले ली। अब ध्यान से देखो, आई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर वन पुट करो बेटा तो पहली वैल्यू क्या आएगी, वन माइनस का वन बाय वन, तो पहली वैल्यू आएगी जीरो। फिर आई इज इक्वल टू टू पुट करो तो वन में से वन बाय टू गया तो कितनी आ जाएगी, वन बाय टू। फिर वन बाय थ्री यानी टू बाय थ्री आ जाएगी, फिर वन बाय फोर यानी थ्री बाय फोर आ जाएगी, अप टू सेवन। इसका मतलब कि ये वैल्यू जीरो से स्टार्ट हुई, फिर वन बाई टू आई, फिर टू बाई थ्री आई, धीरे धीरे वन की तरफ अप्रोच हो रही है, सॉरी। तो ये वैल्यू धीरे धीरे किसकी तरफ अप्रोच हो रही है बेटा, वन की तरफ अप्रोच हो रही है, ये सीक्वेंस वन को अप्रोच करेगी, तो इसकी सुप्रीम वैल्यू भी कितनी आएगी, वन आएगी। अब यहाँ से मान ले कि अल्फा की भी वैल्यू वन ले ली, अल्फा की वैल्यू वन ले ली तो अल्फा यूनियन ऑफ दिस इज इक्वल टू अल्फा की जगह पे वन पुट कर दो, तो इसका मतलब कि वन यूनियन ऑफ दिस, यानी वन कट आ गया। ये वन कट क्या होगा, यानी इस सेट के अंडर वो बड़े एलिमेंट, वो एक्स के वो बड़े एलिमेंट आएंगे जिनकी मेंबरशिप ग्रेड इस सेट के अंडर क्या आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू वन। अब मेंबरशिप ग्रेड वन से तो बड़ी आने से रही, क्योंकि मेंबरशिप फंक्शन ही जीरो टू वन में लाई करता है, तो देयरफॉर वो बड़े एक्स आएंगे जिनकी मेंबरशिप वैल्यू वन के इक्वल आ जाएगी। समझ आ गया, क्लियर। यहाँ से यूनियन तो थी ही वन के इक्वल, यानी ये किसके लिए ट्रू है, ये देखो ये रिजल्ट किसके लिए ट्रू है, फॉर एनी एक्स, किसी भी एक्स के लिए उसके यूनियन के अंडर मेंबरशिप वैल्यू कितनी आती है, वन आती है। तो इसका मतलब कि एक्स के हर एक एलिमेंट की इस सेट के अंडर मेंबरशिप वैल्यू कितनी आती है, वन आती है। तो इसका मतलब कि एक्स के सारे एलिमेंट आ गए इसमें, तो इसका मतलब कि ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, एक्स के इक्वल। उसके बाद अब हमने क्या किया, पहले उसके अल्फा कट्स निकाले, वन कट्स निकाले पहले एआई के, एआई के वन कट्स निकालेंगे तो वो वाले एक्स के वो वाले एलिमेंट आएंगे जिसके अंडर एआई की मेंबरशिप वैल्यू वन के इक्वल आएगी। लेकिन एआई मेंबरशिप वैल्यू खुलती कैसे है, वन माइनस का, वन माइनस का वन बाय आई की फॉर्मूले से, लेकिन ये वैल्यू तो वन से छोटी होती है, इसका मतलब कि कोई भी मेंबरशिप वैल्यू वन के इक्वल नहीं आएगी, यानी एक्स का कोई भी एलिमेंट हमें ऐसा नहीं मिलेगा, एक्स का कोई भी एलिमेंट हमें ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी मेंबरशिप वैल्यू क्या आएगी, वन आएगी, क्योंकि हर एलिमेंट की मेंबरशिप वैल्यू क्या आती है, वन से लेस देन। यहाँ पे तो हमने यूनियन लेकर मेंबरशिप लिखी थी, इस कारण वो वन आ गया था, क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा तो इसका मतलब कि अल्फा कट्स के अंदर कोई एलिमेंट नहीं आएगा, तो वो कैसा होगा, एम्प्टी होगा। यूनियन आएगी वो भी एम्प्टी आएगी, तो इस कारण ये यूनियन आ गई एम्प्टी,
सेकंड और थर्ड से हमें क्या पता लग गया कि ये इसका सबसेट नहीं है, क्योंकि एक्स कभी भी एम्प्टी के अंदर कंटेन नहीं होता, एक्स तो नॉन एम्प्टी सेट है। क्लियर हो गया। अब उससे नेक्स्ट में ये कहता कि फोर्थ के अंदर क्यों नहीं हुई, फोर्थ के लिए भी हमें एक एग्जांपल देना पड़ेगा। उसके लिए एग्जांपल हमने क्या कंसीडर कर लिया, ए आई एक्स इज इक्वल टू वन बाय आई, ये हमें याद रखने हैं एग्जांपल। कि कहता कि एक्स के हर एक पॉइंट के जो मेंबरशिप वैल्यू है वो वन बाय ए आई के इक्वल आती है, आई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इंटरसेक्शन करो, इंटरसेक्शन का मतलब इन्फियम यानी वन बाय आई का इन्फियम, वन बाय आई, आई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर पुट कर दो बेटा, सीक्वेंस बन जाएगी ये, वन आएगा फिर वन बाय टू आएगा फिर वन बाय थ्री आएगा, धीरे धीरे जीरो को अप्रोच होंगी। इसका मतलब कि ये धीरे धीरे जीरो को अप्रोच होंगी तो इसका इन्फियम कितना आ जाएगा, जीरो ही आ जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू जीरो ले लो, जीरो लेंगे तो यहाँ पे यानी अल्फा स्ट्रॉन्ग अल्फा कट इंटरसेक्शन ए आई, तो इसका मतलब कि अल्फा की वैल्यू जीरो यानी स्ट्रॉन्ग जीरो कट इंटरसेक्शन ए आई। तो इसमें एक्स के वो बड़े एलिमेंट जिनकी इंटरसेक्शन के अंडर मेंबरशिप वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन जीरो। लेकिन ग्रेटर देन जीरो तो कोई भी नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, इंटरसेक्शन में हर पॉइंट की जो मेंबरशिप वैल्यू है वो कितनी आई है, जीरो आई है, ग्रेटर देन जीरो तो आई नहीं की। तो देयरफॉर एक्स के अंडर कोई भी पॉइंट हमें ऐसा नहीं मिलेगा जिसका इंटरसेक्शन की मेंबरशिप वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन जीरो, सारी के सारे इक्वल टू जीरो आएंगी। तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू एम्प्टी। उधर से यदि हम जीरो स्ट्रॉन्ग ये स्ट्रॉन्ग कट लगा लेना बेटा, जीरो स्ट्रॉन्ग कट ए आई निकाल लें, तो यानी वो वाले ए आई जिसके सॉरी वो वाले एक्स जिनकी मेंबरशिप वैल्यू जीरो से बड़ी आए, तो इसकी मेंबरशिप खुलती है वन बाई आई की फॉर्मूले से और ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। तो इसका मतलब कि हर पॉइंट की मेंबरशिप वैल्यू तो जीरो से बड़ी है, तो सारे के सारे पॉइंट आ गए, सारे पॉइंट आ गए तो कैपिटल एक्स आ गया। तो इधर से ये जीरो स्ट्रॉन्ग कट कितना आ गया, एक्स आ गया, इंटरसेक्शन करेंगे तो एक्स आ गया। तो देयरफॉर ये क्वांटिटी किसके अंदर कंटेन होगी, इसके अंदर कंटेन नहीं होगी। ये इसके एग्जांपल थे बेटा, इनको तैयार कर लेना, ओके। बाकी कल करेंगे आगे, ये भी थ्योरम कैसी है, इम्पोर्टेंट है। इस वीक के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगी यूनिट 27, सिर्फ आपके पास चार पेज और रह गए हैं, बाकी हो गई कंप्लीट यूनिट।